हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान जारी। 4 बजे तक 54% मतदान, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यमुनानगर में सबसे तेज, गुरुग्राम में सबसे धीमी मतदान की रफ्तार। वोटिंग के बीच हरियाणा में भिड़ गए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता। नारनौंद में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, नू में भी चुनाव के बीच पथराव हो गया। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने 23,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। वाशिम में कांग्रेस पर जमकर बरसे, बोले ड्रग्स के पैसों से कांग्रेस जीतना चाहती है चुनाव। कोल्हापुर से राहुल का बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार। दिल्ली में बस मार्शल्स की नौकरी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ लगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े विजेंद्र गुप्ता के पांव। बीजेपी ने एक मार्शल का वीडियो जारी कर कहा उनकी नौकरी को लेकर बीजेपी ने कराई एलजी के साथ बैठक। दिल्ली ड्रग्स केस की ईडी ने शुरू की जांच। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज हासिल किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी खबर। इसी महीने एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान जाने से पहले बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा आतंकवाद का साथ देने वाले देश से कोई बातचीत नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।